बेटियों को खासकर कहना चाहता हूं कि मर्दों की नक्काली करके आप मजलिस न पढ़ें। आप मर्द नहीं, आप औरत हैं। आपको अल्लाह ने मर्दों से अलग बनाया। मर्दों, अगर मैं आपकी तरह मजलिस पढ़ना शुरू करूं तो आपको कैसा लगेगा? मैं आपकी तरह मातम करना शुरू कर दूं खाली? मैं भी अपनी अम्मा, खाला, नानी सबको देखा मातम करती, या हुसैन या हुसैन, मैं भी ऐसे करूं? हंस रही ना आप? तो आप मर्दाना स्टाइल से जब मजलिस पढ़ती हैं तो हम हंसते हैं। हाथापाई, उछल कूद, धमा चौकड़ी, कमर पे दुपट्टा बांध के नारो हाजरी, जनाना काम नहीं है आपका, नहीं। आप शोर करें, आप बढ़ उछल पटक करें मेंबर पर, नहीं। आप, आपको अल्लाह ने मुहज्जबा बनाया है। आपके अपने वजूद को हर जगह छुपाने की ही सलाहियत दी है। आपके नमाज में और मर्द की नमाज में क्या फर्क है? मर्द की नमाज में हर चीज बदन से दूर, बगला भगत बन के रुकू करो, ऐसे सद्यम जाओ तो ऐसे, बॉडी का मुजाहरा। औरत की नमाज में सिमट जाओ, सिमट जाओ, सिमट जाओ। अल्लाह का निजाम है, फितरत में दिया। तो औरतों को मर्दों की तरह मजलिस नहीं पढ़ना चाहिए। अफसोसनाक बात यह है कि मर्दों ही के नुक्ते, मर्दों ही के लहजे में औरतें पढ़ रही हैं। तबाह हो रहा है माशरा। ये खास आप लोगों के लिए।